दिस इज अरुण एंड वेलकम टू माय चैनल रेडियो पीटीएस। आप सब होप कि सब लोग बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं और स्पेसिफिकेशन जो भी हैं आपको बताने वाले हैं। तो बाइक है हमारे पास BMW की GS 310। तो आज इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बेस्ट क्यों है, सो लेट्स गो गाइस, बात करते हैं अपनी BMW GS 310 की। तो भाई फुली टूरर बाइक है, जैसे कि देखी जाए यार ऑफ रोडिंग वाली बाइक है। इसके फ्रंट से बात कर ले गाइस, तो आपको फुली LED सेटअप मिल जाता है हेडलाइट के लिए। और इंडिकेटर्स की बात कर लो तो भाई LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाता है। और यहीं पे अगर सस्पेंशन की बात करो तो भाई USD फॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट में। सो गाइस चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है 313 cc का इंजन आपको BMW 310 GS में देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस अगर यहीं पर बात करी जाए इंजन परफॉर्मेंस की, UOHC यानी कि डबल ओवरहेड केम शाफ्ट वाला आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है अपनी BMW 310 GS में। पावर की, पावर फिगर्स की बात कर ले तो गाइस 33.53 PS का पावर आपको देखने के लिए मिल जाता है GS 310 में। और यहीं पे अगर मैं न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करूँ तो भाई 28 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है भाई इस बाइक में। यहीं पे अगर रियर सस्पेंशन की बात कर ले तो गाइस आपको रियर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है कास्ट एल्युमिनियम डुअल स्विंग आर्म रियर सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिल जाता है BMW 310 में। पीछे भाई टायर साइज की अगर बात कर ले, पीछे वाला टायर साइज की, तो पीछे वाला टायर आप देख सकते हो 130x70 17 इंच एलॉय के साथ आपको रेडियन टायर्स के देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड पीछे से बात कर ले गाइस तो आपको पीछे की देखने मिल जाती है इसमें LED टेल लाइट एंड नीचे रिफ्लेक्टर एंड नीचे नंबर प्लेट। और इंडिकेटर्स की बात कर ले तो भाई आपको LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं BMW 310 GS में। एंड नीचे अगर बात कर ले टायर के ऊपर तो हवर लगा हुआ है जो कि वन साइड वाला हवर आता है, इधर से देखो ये देखो ठीक है। एंड यहीं पर अगर ट्रांसमिशन की गाइस में बात कर ले तो आपको 1 down and 5 up के साथ ट्रांसमिशन मिल जाता है देखने के लिए, आपको 6 gear इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई सीट हाइट की हम बात करें तो भाई सीट हाइट इसकी तो बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं बताऊँ भाई 835 mm सीट हाइट है इसकी। मेरे लिए तो ये भाई कतई नहीं बनी भाई, मेरे तो पैर इस पर नहीं पहुँचने वाले, बस पंजा ही आने वाले हैं पैर के। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2075 mm का ओवरऑल लेंथ आपको देखने के लिए मिल जाता है इस वाली बाइक में GS 310 में। अगर ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1130 mm से ओवरऑल हाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। और यहीं पर चीज़ें फ्रेम की अगर बात कर ले तो आपको ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम के साथ आपको 6 frame देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहीं पे अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए इसकी स्टैंडर्ड वारंटी की, तो आपको 3 years के लिए इसकी स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है जो कि अपने इंजन की वारंटी होती है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है भाई 30 का माइलेज इस पर कंपनी क्लेम करती है। और टैंक कैपेसिटी की अगर बात कर ले गाइस 11.5 लीटर का टैंक आपको देखने को मिल जाता है हमारी BMW 310 GS ऑफ रोडिंग टूर बाइक में। आप करते हैं इसके मीटर की, तो ये लो भाई आपको कलर डिस्प्ले नहीं मिलने वाला है, आपको ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले मिलने वाला है। और आपको क्या क्या शाइन मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूटन है बाइक, तो न्यूटन का शाइन आ रहा है। यहाँ फ्यूलिंग रेट करती है एंड हाई एंड ये डिबर का एंड इंडिकेटर्स ऊपर, ABS साइन यहाँ पर कर रहा है, इंजन साइन ऊपर आता है, बैटरी साइन यहाँ पर आता है एंड हीटिंग साइन यहाँ पे आता है, बहुत सारे साइन है। और यहाँ पे अगर बात कर लें ये देखिए यहाँ पे फ्यूल इंडिकेट करती है ठीक है, ऊपर इंजन बता रहा है, ये आपके ट्रप आती है एंड ऊपर आपका टाइम दिखा रहा है ये देखिए ओके। एंड ये स्पीड मीटर हो गया यानी गियर साइन हो गया, नीचे RPM हो गया ओके। सो ये चीज़ है जो कि हमारे मीटर कंसोल में देखने के लिए आपको मिल जाती है। एंड डिस्प्ले में आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे छोटा सा बटन, मोड का बटन जो कि अपना ट्रप वगैरह का आता है ठीक है। एंड आप सारी चीज़ें देख सकते हो, RPM वगैरह, क्लॉक वगैरह, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर ओके। तो बात कर लेते हैं भाई इसके लेफ्ट साइड हैंडल बार की, तो भाई आपको पास डिपर वाला स्विच आपको देखने के लिए मिल जाएगा ओके। और यहीं पे नीचे आते हैं तो भाई हेडलाइट के लिए लो बीम, हाई बीम एंड इंडिकेटर्स और नीचे हॉर्न ठीक है। और यहीं पर अगर राइट साइड वाले हैंडल बार की बात कर ले तो आपको देखने के लिए मिल जाता है ऊपर ही इंजन स्विच ऑन का बटन एंड नीचे सेल्फ का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है राइट हैंड बार पर ठीक है। और थोड़ी सी मोड्स वर्क के ये देख सकते हो आप लोग, हैंडल गार्ड्स में लगे हुए हैं, LED का आप देख रहे हो विजिबिलिटी चेक करो LED की। जो इंडिकेटर्स है ना गाइस इसमें बहुत चेंज इंडिकेटर्स डले हुए हैं, जो इसमें आते वो नहीं है, इसमें थोड़े से महंगे वाले इंडिकेटर्स डले हुए हैं जो कि आप देख सकते हो भाई, इनकी विजिबिलिटी चेक कर सकते हो ओके। एंड हेडलाइट ये देखो, हेडलाइट की विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बैजिंग की बात करें तो थोड़ा सा BMW का आपको हैंडल पे बैजिंग मिल जाती है एंड साइड में यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे GS लिखा हुआ है। एंड राइट साइड की अगर बात कर ले तो राइट साइड में भी आपको सेम ही देखने को मिल जाता है, BMW की बैजिंग मिल जाएगी एंड GS G310 देखने के मिल जाता है।
एंड यहाँ पे देखिए रेडिएटर देखने के लिए मिल जाता है आपको यहाँ, ओके, और नीचे इंजन का ऑयल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा गंदा हो रखा है, बाइक धुली नहीं है इसलिए थोड़ा सा गंदा हो रखा है। मिरर क्वालिटी की बात करूँ तो भाई BMW की मिरर क्वालिटी जो होती है ना भाई एक नंबर होती है, और विजिबिलिटी की बात करें तो भाई चीज़ ही देता है BMW, जो कि आप जानते हो भाई क्या चीज़ देता है BMW भाई, मस्ट रिकमेंडेड रहता है मेरी तरफ से, और महंगा ब्रांड है, अमीरों वाला ब्रांड है भाई ये। एंड यहाँ पे अगर बात कर ले इसके भाई साइलेंसर की, तो साइलेंसर आप देख सकते हो भाई गोल्डन फिनिश में आपको साइलेंसर देखने के लिए मिल जाता है, एंड यहाँ पे मैट ब्लैक और गोल्डन में थोड़ा सा ये भी क्रोम में गोल्डन क्रोम ये देखने के लिए मिल जाएगा साइलेंसर। एंड डुअल चैनल ABS के साथ आपको अपनी BMW 310 देखने के लिए मिल जाती है, G310 फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक। सो गाइस BMW 310 G310 की अगर बात करें सर्विस की, तो पहले आप 1,000 किलोमीटर में आपको सर्विस करानी पड़ेगी, और प्राइस की अगर मैं बात करूँ 8,500 रुपये की पहली सर्विस इसकी होती है, एंड सेकंड सर्विस की बात करूँ तो भाई वो तो अलग ही चली जाती है, 10,000 पार चली जाती है। और ब्रेक कैलिपर्स की गाइस बात करें तो आपको बायवर्स का ब्रेक कैलिपर देखने के लिए मिल जाता है भाई अपनी GS 310 में। और गाइस मॉडल की बात करें तो 2022 का मॉडल है, और एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो 1,05,000 में आपको ये बाइक एक्सोरूम प्राइस में देखने के लिए मिल जाती है। और रोड की बात कर ले तो गाइस सभी के हिसाब से मैं दो अभी 23 के हिसाब से तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी 3,76,000 की बाइक आपको ऑनरोड प्राइस में देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी कंप्लीट यहाँ पर ब्लॉग पूरा देख लिया होगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना, एंड कोई चीज़ रह रही हो तो कमेंट करो भाई, मैं वो चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से बताऊँगा। ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बता दिया, एक्सोरूम प्राइस मैंने आपको बता दिया, एंड जो भी स्पेक्स है फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिए। और इस बाइक की गाइस बात करें BMW 310 GS की, तो भाई लॉन्ग टूरर के लिए बेस्ट रहने वाली है, मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंडेड है, आप इस पर जा सकते हो भाई। जो इसका सस्पेंशन है चाहे फ्रंट ले लो चाहे रियर ले लो, दोनों ही भाई बहुत अच्छे हैं और रिलैक्सीबल है, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा इस पर बैठ के, एंड जो लॉन्ग भाई लॉन्ग राइड मारना चाहते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। एंड पीछे से थोड़ी सी इसमें एक्सेसरी लगी हुई है, जो कि आपको भाई आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी, जो कि आती नहीं है, ये देखिए ये फ्रेम लगा हुआ है पूरा बॉडी फ्रेम, ये देख सकते हैं, ठीक है। और पीछे आ जाए तो पीछे कवर देख सकते हो, सैटल बैग के लिए पूरा ये लगा हुआ है, एंड टॉप बॉक्स यहाँ पे लग सकता है अपना, ये तो कंपनी ही देती है, एंड ये इसमें थोड़ी आफ्टर मार्केट वाली लगे हुए हैं फ्रेम्स, जो कि गिरती है तो भी गाइस ये बहुत अच्छा रहता है, जो कि भाई आप अपनी फेयरिंग को बचा देता है, ठीक है, यहाँ पे अगर गिरती है तो ये सब चीज़ झेल लेगी, लेकिन अपनी फेयरिंग पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ओके। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर जाना भाई, ठीक है, और कोई भी चीज़ रह रही हो तो भाई कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूँगा, ओके। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो, अच्छे से मिलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।